अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम शुक्रवार को $78 प्रति बैरल के नीचे आ गए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ओपेक और उसके सहयोगी देश ऑयल सप्लाई की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। इसी के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आई है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते क्रूड ऑयल के दाम 3 सालों के उच्चतम स्तर के पास बने रहे। ओपेक और उनके सहयोगियों के साथ साथ इनकी इस सोमवार को बैठक हुई थी। एक न्यूज एजेंसी ने ओपेक प्लस के 4 सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह समूह मौजूदा डील के अलावा प्रतिदिन 4 लाख प्रति बैरल की अतिरिक्त सप्लाई बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर में मजबूती और अमेरिका के क्रूड इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी के चलते भी क्रूड की कीमतों पर दबाव देखा गया है और कीमतों में गिरावट के पीछे यह भी एक मुख्य वजह रही है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड इस साल 50% बढ़ चुका है और गुरुवार को $80.75 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, जो इसका पिछले 3 सालों का उच्चतम स्तर है। ओपेक प्लस पर अमेरिका, भारत जैसे देशों की ओर से उत्पादन बढ़ाने को लेकर दबाव है, जिससे वे अपने यहाँ फ्यूल की बढ़ती कीमतों को रोक सकें। भारत ने इस संबंध में ओपेक देशों से पिछले कुछ समय में कई बार चर्चा भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।